अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं हूँ सनावला गोंदल। तो आज जो टॉपिक है वो है कि कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ ब्रेक्स इन वन क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रेक्स होती हैं उसकी क्वांटिटी निकालने। मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है आज वो बताऊँगा। कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ ब्रेक्स इन वन क्यूबिक मीटर। तो आज हमारा ये टॉपिक है। तो कैसे निकालना है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ब्रेक, मैं वैसे पूरा तो नहीं बना सकता, एक ब्रेक्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्रेक्स है, तो यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर है और इधर है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ब्रेक्स का साइज़ है, तो साइज़ जो जो भी डिफरेंट भी रहते हैं एरिया के लिहाज से, ज़्यादा स्टैंडर्ड जो यही स्टैंडर्ड जो है वो यही है। तो इसके लिए कोई भी ईंट का साइज़ हो तो उसके हिसाब से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक वन क्यूबिक मीटर, विदाउट मटर। तो ये जो हम पहले साइज क्वांटिटी निकालेंगे ये मटर के बगैर है। तो इसका हमारा जो हम ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो मैं जो है उसके हम जो लिखेंगे वो मीटर में लिखेंगे। कैलकुलेशन आप कर लें कि इसका कितना आ रहा है। ये हमारा साइज इसका हो गया। आप जो है दूसरी क्वांटिटी निकालते हैं कि मटर के साथ में, तो इसके साथ में 1 सेंटीमीटर जो ऐड किया तो उसका मटर का भी क्वांटिटी निकल जाएगा। मटर ऑफ ब्रिक्स आज हमने अभी एक 1 क्यूबिक मीटर में कितने मीटर, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे बराबर आ जाते हैं 500 ब्रेक्स।
तो डेयर जो है हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। दुआ में याद रखिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।